फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की नव निर्वाचित कार्यकारिणी की गुरुवार को पहली बैठक हुई। इस एक निजी होटल में हुए इस समारोह में प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योगपति और व्यापारी शामिल हुए। गौरतलब है कि सुरेश अग्रवाल ने लगातार चौथी बार निर्विरोध अध्यक्ष बन एक रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक 40 का कोई भी अध्यक्ष अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। इस मौके पर अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने 40 पद अधिकारियों के नामों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि हम छोटे छोटे लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे। अगले एक साल की कर्म कार्य योजना के तहत केन्या में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी एग्जीबिशन लगाएंगे, जिसमें राजस्थान के आयातक और निर्यातक दोनों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा दुबई में एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अवार्ड समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी साल जयपुर में निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए मीडिया अवार्ड का भी आयोजन किया जाएगा। फोर्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि राजस्थान के व्यापार उद्योग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे सरकार के समक्ष अपनी बातें रख के सरकार से समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। इसी कड़ी में हमारा उद्देश्य ये है कि नेक्स्ट ईयर हम एक बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड जो हम दुबई में करना चाहते हैं, जिसमें एमएसएमई और राजस्थानियों के लिए, सिर्फ राजस्थानी व्यापारियों के लिए जो पूरे इंडिया भर में हैं, उनको हम कैसे एक मंच पर लेके आए। इसी तरह एक केनिया में एग्जीबिशन करने का इरादा है जो एमएसएमई में हमारी फाइल चल भी रही है और काफ़ी आगे तक पहुंची है। वो परमिशन मिलते ही हम केनिया में एक इंटरनेशनल बिजनेस सिर्फ राजस्थान के व्यापारियों के लिए कि राजस्थान के व्यापारी अफ्रीका जाए। अफ्रीका एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्केट है जहाँ पर 85 से 90% तक आइटमें इम्पोर्ट होती है विभिन्न देशों से, तो क्यों नहीं हम इंडिया से उनको एक्सपोर्ट कर पाएँ, इसकी संभावनाएँ तलाश के हम उस बिजनेस को